Hello students, this is Shaheen and in this lecture video we will start from exercise 7b. So let's start from question number 1. Question number 1 says a ki value de rakhi hai, a ke element se x, y, z, b ke element se p, q, r, s. Which of the relation on a to b are functions? Isme bol rakha hai kaun se functions hai. तो फंक्शंस के लिए अगर फंक्शन की आपने कॉन्सेप्ट में देखना फंक्शंस को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया है तो यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो आपका बी और डी आता है. रीजन बताती हूँ मैं आपको. देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक वन वन बन रहा है. वन वन मतलब एक ही इमेज बन रही है और यहाँ पे एक्स वाई जेड ये इमेज एक ही बननी चाहिए भले ये आपके रिपीटेड हो या ये आपके सिंगल वैल्यू. रिपीटेड होंगे तो वन वन और टू मैली बनेगा और अगर रिपीटेड नहीं होंगे तो वन वन फंक्शन बनेगा. इसका मतलब ये है कि जो आपका डोमेन होगा डोमेन हमेशा आपकी एक ही वैल्यू होनी चाहिए. मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए एक्स कॉमा. यहाँ पे क्या हुआ एन तो था ही नहीं इसलिए ये ऑप्शन गलत. यहाँ पे देख रहे हो वाई वाई रिपीट कर रहा है इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया एलिमिनेट. क्वेश्चन नंबर 2 सेज एक्स कॉमा वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. यहाँ पे एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 तो यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी वाई की वैल्यू एक्स माइनस 5. तो आप एक चीज यहाँ पे लिखिए कि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स देयर इज, ये इंपॉर्टेंट पार्ट वाले सेक्शन में लिखो, देयर इज वन वैल्यू ऑफ वाई. अब यहाँ पे अगर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रखूं वाई अलग ही आएगी. ऐसे नहीं होगा वाई सेम आ जाएगी. जैसे मैंने वन रखा तो इसकी 4 आई, 2 रखा तो इसकी 3 आई. डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है तो वाई. सो मैपिंग, मैपिंग कौन सी होगी, ये वाली मैपिंग इज वन वन मैपिंग. इसीलिए इसका आंसर क्या है वन वन. ये मुझे ये इंपॉर्टेंट चीज है ये लिख लो एक जगह. क्वेश्चन नंबर 3 से ये क्या है, इन्होंने पूछा है कि बताओ कि ये फंक्शन है नहीं फंक्शन है क्या है. एक्स की वैल्यू 4 दे दी और इन्होंने बोल रखा है ये कंडीशन सेटिस्फाई करने तो ये फंक्शन नहीं है. अब रीजन क्या है फंक्शन नहीं है. फंक्शन कैन बी क्या हो सकता है 1 to 1 और मैनी टू वन एज गिवन रिलेशन इज 1 to many. इसीलिए ये फंक्शन नहीं होगा. इसको मैं समझा देती हूँ. ये लिखा गया फंक्शन जो है वो 1 to 1 हो सकता है. 1 to 1 मतलब एक की इमेज बन रही है दूसरे में तीसरे की इमेज बन रही है ये हो गया 1 to 1 और एक कम 1 to many to 1 मतलब इनकी बहुत सारी इमेज बन रही है लेकिन यहाँ पे इमेज एक ही बन रही है तो ये हो सकता है. लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1 to many बने. यहाँ से बहुत मतलब एक यहाँ पे एक ही सिंगल इमेज रहनी चाहिए तभी वो फंक्शन कहलाएगा. यहाँ पे एक्स की वैल्यू उन्होंने 4 फिक्स्ड कर दी तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं इसके लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेज एक्स कॉमा वाई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये भी एक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो गई फिक्स्ड हो गई. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन y. ये भी एक फंक्शन नहीं है. तो समझ रहे हो ना कि यहाँ पे जो x की इमेज बन रही है ना वो सिंगल ही बननी चाहिए. x की इमेज सिंगल बनेगी तो फंक्शन है अदरवाइज फंक्शन नहीं है. अब इसमें डोमेन पूछा है. डोमेन का मतलब मैंने पहले बताया था जैसे 1, 7, 2, 6 है तो ये वाली जो इमेज होती है ये कहलाती है आपकी डोमेन और ये वाली जो इमेज होती है ये कहलाती है आपकी रेंज. ठीक है जी. तो यहाँ पे 1, 2 होगा मींस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. इसकी रेंज पूछी है तो 0 दो दो बार 0 का कोई मतलब नहीं, इतनी बार 0 का कोई मतलब नहीं, 20 द करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 8 इज द डोमेन एंड रेंज. इसकी डोमेन और रेंज बताना. क्वेश्चन नंबर एट के अंदर आपको डोमेन और रेंज बताना है. तो अगर वाई की वैल्यू, अगर वाई की यहाँ पे बोल रखा है ये तो देखो पॉजिटिव ही आएगा. अगर मैं कोई भी वैल्यू इवन नेगेटिव वैल्यू भी रख रही हूँ ना एक्स की
तो जो मेरा वाई है वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये गलत हो गया इसके हिसाब से, ये गलत हो गया, ये हो गया पॉजिटिव रियल नंबर से आएंगे। तो इसके हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 का, लेट द डोमेन ऑफ एक्स बी सेट 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर इक्वल टू 1। अच्छा, इसके अंदर बोल रखा है अगर डोमेन एक्स होता है तो ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1 होगा अगर 1 का स्क्वायर करूंगी तभी तो 1 होगा, अदरवाइज 2 का स्क्वायर करूंगी तो ये 4 हो जाएगा, 3 का करूंगी तो ये डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ वाली चीज और यहाँ वाली चीज सेम होनी चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 1, ये कब सेटिस्फाई करेगा, जब उसका स्क्वायर उसके इक्वल होगा और 1 ही होना चाहिए सेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 सेज एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 upon 1 minus x is even। इसमें बोल रखा है एफ एक्स की वैल्यू को -1 रखना है, x की जगह पे -1 रख दो, उसमें क्या है -1, तो 1 upon 1 plus 1 it means 1 upon 2, b is the correct one। ऐसे जी एक्स की जगह पे बोल रखा है, सिमिलर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 से एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, जी एक्स की वैल्यू दे रखी है, फॉग निकाल दो। एक तो कॉन्सेप्ट ये समझ लो, फॉग क्या होता है और गॉफ क्या होता है। जब मैं एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स की वैल्यू में पुट करती हूँ तो ये फॉग कहलाता है, जब मैं जी एक्स की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू में पुट करती हूँ तो ये गॉफ फंक्शन कहलाता है। जैसे अभी समझ आ जाएगा एग्जाम्पल के थ्रू, एफ एक्स ये है, पहले एफ एक्स लिख लो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1 upon 1 minus x, और जी एक्स की वैल्यू कितनी है x minus 1 upon x। मतलब एफ एक्स जो फंक्शन है ना 1 upon 1 minus x, इस x की जगह पे ना ये वाली वैल्यू रखनी है। तो आ गया ना एफ ऑफ जी एक्स, मतलब बाहर फंक्शन f रहेगा और अंदर फंक्शन के अंदर जी एक्स रखेंगे, 1 upon 1 minus x, तरह रखेंगे x minus 1 upon x। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 upon में नीचे x और ऊपर x minus x और प्लस का 1। अब ये प्लस का 1 क्यों, माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 upon 1 x upon 1, मैंने पहले ही बोला था कि किस तरीके से सॉल्व, नीचे है यहाँ पे 1 upon x, तो ये सॉल्व होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 भी गॉफ बोल रखा है, गॉफ का मतलब क्या हो जाएगा, जी एक्स जो जी एक्स है x minus 1 upon x, इसके अंदर एफ एक्स की वैल्यू रखो, एफ एक्स की वैल्यू मतलब ये जहाँ पे एक्स है ना यहाँ पे 1 upon 1 minus x minus 1 upon 1 upon 1 minus x, ऊपर सॉल्व करोगे तो 1 एलसीएम ले लो, 1 minus x minus 1 प्लस का एक्स, ये कैंसिल आउट, upon 1 upon 1 minus x, ये इससे मल्टीप्लाई इससे, ये और ये खत्म, तो यहाँ पे भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, एक्स आ जाएगी। दैट विल बी द सिंपलेस्ट वन क्वेश्चन है ये, इनसे सिंपल क्वेश्चन आपको एक्सपेक्ट मत करना, इससे सिंपल क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 सेज द फंक्शन एफ एक्स की पावर 2x, तो एफ एक्स की पावर 2x है तो इज, अब ये कौन सा फंक्शन होगा, तो ये 1-1 मैपिंग फंक्शन होगा, 2 की पावर 1 करोगे 2, 2 की पावर 2 करोगे 4, 2 की पावर 3 करोगे 8, 2 की पावर 4 करोगे 16, 2 की पावर 5 करोगे 32। देख रहे हो ये वाली जो इमेज है वो यहाँ रिपीट नहीं हो रही, हो रही है कहीं, बिल्कुल रुक नहीं हो रही, तो इसीलिए ये वाला जो कहलाएगा ये आपका 1-1 मैपिंग फंक्शन, होपफुली ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो, द रेंज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log base 10 1 plus x। अब log वाले चैप्टर में log बहुत किया था, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करो दोबारा से। 1 plus x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर लाई कर रहा है ये 9 तक, तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो कैसे पुट करोगे, 1 plus 0 इसके अंदर 1 पुट करो, यहाँ पे भी 1 पुट करो, यहाँ पे भी 1 पुट करो, मतलब इसी फंक्शन में यहाँ पे 1 पुट कर दिया, यहाँ पे भी 1 पुट कर दिया, यहाँ पे 1 पुट कर दिया, तीनों, तो इससे होगा क्या, 1 is greater than equals to 1 plus x is less than equals to 10 हो गया। अब यहाँ पे जब आप वैल्यू रखोगे log लगाओगे
log base 10 1 log base 10 1 plus x log base 10 10 आ गया। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक, और बीच में log base 10 1 plus x, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो गई 0 और इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो ये 0 से लेकर 1 तक हुआ चला। तो यहाँ पे जो रेंज लाई करेगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, लेट अस 0 से लेके 1 तक लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर 16 सेज द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, देखो एफ इनवर्स एफ एक्स इक्वल्स टू, ये दे रखा है 2x, इसको y मान लो। इनवर्स क्या हो जाएगा, जब मैं x की वैल्यू किसकी टर्म में निकाल दूं, y की टर्म में निकाल दूं, तो एफ इनवर्स मेरा क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, एक्स बाई टू, यहाँ पे एक्स रख दो एक्स बाई टू आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 फॉर्म पूछा है और इसके अंदर एफ इंटू जी, ये वाला तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फॉर्म में क्या करोगे, ये तो हो जाएगा बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में एक्स प्लस थ्री के अंदर आप एक्स स्क्वायर पुट कर दो एक्स की जगह पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ये आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 सेज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री और जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, इससे मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, एक्स स्क्वायर को एक्स से करोगे तो एक्स का क्यूब प्लस थ्री एक्स का स्क्वायर, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 सेज एच इनवर्स दे रखा है आपको, वेयर एच व्हेन एच एक्स इज इक्वल टू लॉग 10 एक्स इज, तो फिर वही सेम करोगे, y किसके इक्वल है, log 10x के इक्वल है, यहां से 10 ऊपर जाएगा तो होगा 10 की पावर y इज इक्वल टू x, तो h इनवर्स x किसके इक्वल आ गया आपका 10 की पावर x के, ये मतलब इधर वैल्यू जाके और फिर इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 20 सेज h x इज इक्वल टू 10 की पावर 1 प्लस x, बिल्कुल वैसे ही है, ये किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसको सॉल्व करवा देती हूँ, इज इक्वल्स 10 की पावर 1 प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक लाई कर रहे, तो इनके अंदर ऐड करेंगे वैल्यू एच 0 से लेकर एच एक्स और ये एच 9, तो यहाँ से जो वैल्यू रखेंगे दैट इज 10 और ये वैल्यू हो गई एच एक्स और ये वैल्यू वैल्यू है 10 की पावर, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इसके अंदर आ जाएगा एच जीरो की वैल्यू कितनी थी, जीरो रखोगे तो, जीरो रखोगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, एच एक्स तो सेम रहा, और अगर आप वैल्यू कितनी रख रहे हो, 9 रख रहे हो, तो 10 की पावर 10 आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले क्वेश्चन सिंपल वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर इस लेक्चर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड बी हैप्पी।